हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशियोलॉजी का टॉपिक कल्चर, एंड ये सोशियोलॉजी के लास्ट यूनिट होगी कम्युनिटी, उससे रिलेटेड टॉपिक है ये कल्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कल्चर का। जैसे कि हम प्रीवियस पेपर एंड प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर शेयर कर रहे हैं, तो आप उसमें ये क्वेश्चन हमेशा नोटिस करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कल्चर का, इससे रिलेटेड या तो करेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर आ रहा है या फिर डिफाइन कल्चर आ रहा है। तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन शॉर्ट नोट में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में इसका बन रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन आज करवा रही हूँ, डिटेल में बता रही हूँ। तो आप इसे अच्छे से समझिए एंड इसके नोट्स आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसके नोट्स बना लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The culture is normally related to the moral values, honesty, truth and good behavior. यानी कि कल्चर रिलेटेड है मोरल वैल्यू से, ऑनेस्टी से, ट्रूथ, गुड बिहेवियर यानी कि जो सच्चाई, ईमानदारी और एक अच्छा बिहेवियर जो एक पर्सन में दिखने को मिलता है, जिससे हम किसी भी पर्सन का कल्चर जो है वो जज करते हैं, यानी कि उस पर्सन की मॉरल वैल्यू क्या है, उस पर्सन में कितनी ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, गुड बिहेवियर है, तो ये सारा उसका कल्चर रिलेट करता है। इट इज़ रिलेटेड टू सत्यम शिवम सुंदरम। जैसे कि हमारे हिंदी वर्ड में काफ़ी पॉपुलर वर्ड्स हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि जो चीज़ें, ये चीज़ें जिसमें पाई जाती हैं वो एक अच्छा पर्सन माना जाता है। द संस्कृत टर्म फॉर कल्चर इज संस्कृति। बोथ संस्कृत एंड संस्कृति आर ड्रिव्ड फ्रॉम द संस्कार मीनिंग रिचुअल परफॉर्म्स। मीन्स संस्कृत कल्चर को संस्कृत बोला गया, यानी कि संस्कृति बोला गया इन्होंने, यानी कि जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से लिया गया, संस्कृत भाषा से लिया गया है। बोथ संस्कृति एंड सॉरी संस्कृत एंड संस्कृति आर ड्रिव फ्रॉम द संस्कार मीनिंग, यानी कि जो दोनों वर्ड है वो एक संस्कार मीनिंग से लिए गए हैं, जिसका मतलब क्या है, रिचुअल परफॉर्मेंसेस करना, विच इज़ अ प्रोसेस टू रिफाइनमेंट, जिसका प्रोसेस क्या होता है, रिफाइनमेंट करना। मैन इज बोर्न एज अ सोशल बीइंग, ही अटेन द सोशलिटी एंड बिकम अ कल्चर्ड मैन बाय गोइंग थ्रू द संस्कार। तो एक पर्सन क्या है, वो एक सोशल बीइंग है, यानी कि सोसाइटी में रहने वाला एक पर्सन है, यानी कि वो लोगों के आसपास रहने वाला एक ऐसा प्राणी है। ही अटेन द सोशलिटी एंड बिकम अ कल्चर्ड मैन बाय गोइंग, यानी कि जो भी चीज़ें वो सीखता है, जो चीज़ें सोशल, जो सोसाइटी के रूल हैं उनको फॉलो करता है और एक अपना एक कल्चर बनाता है। द वे इन विच वी अडेप्ट अवर इन्वायरमेंट आर कलेक्टिव कॉल्ड एज कल्चर, यानी कि जो भी हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि हम उसको क्या बना लेते हैं, अपने कल्चर बना लेते हैं। जिस सोसाइटी हम रहते हैं, जिस गली मोहल्ले में हम रहते हैं, जैसा वहाँ का रूल एंड रेगुलेशन होता है वो हम फॉलो करते हैं, उसको हम वहाँ का कल्चर मानते हैं। सम सोशोलॉजिस्ट डिफाइंड कल्चर एज फ्लोइंग। अब इसके बाद कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट की। अकॉर्डिंग टू हार्कोविस्ट, कल्चर इज़ अ मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्होंने कल्चर को क्या बोला है, एक मैन मेड यानी कि जो इंसान ने बनाया हो, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसे इंसान ने बनाया है और उसे वो कल्चर मानता है। देन सेकेंड डेफिनेशन है इसमें, अकॉर्डिंग टू सर एडवर्ड टाइलर, कल्चर इज़ दैट कॉम्प्लेक्स वूल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल लॉज, कस्टम एंड अदर capabilities and habit acquired by the man as a member of society. Means इन्होंने एक culture को क्या माना है, जिसके अंदर belief होता है, art होता है, moral values होते हैं, कहने का मतलब क्या है, उसके अंदर custom है, rule, regulation, जो भी उसका विश्वास है, जो चीज़ें वो मानता है, ठीक है, उसकी जो moral values हैं, वो सारी चीज़ों को उन्होंने मिला करके अपना एक culture बना लिया है। उसके आगे भी काफ़ी सारी definitions दी हुई हैं, तो जो आपको easy definitions लगती हैं इनमें वो आप लिख सकते हैं। तो जब भी आप डेफिनेशन लिखें, 2 से 3 डेफिनेशन देना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, कि कल्चर के क्या क्या करेक्टरिस्टिक होना चाहिए। सम इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर आर गिवन बिलो। तो कुछ करेक्टरिस्टिक इन्होंने बताए हैं। फर्स्ट है, कल्चर इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि ये एक मानव द्वारा बनाया गया एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसे वो कल्चर मानता है, या फिर उसने उस इन्वायरमेंट को कल्चर, अपना कल्चर बना लिया है।
होबल सेज दैट कल्चर इज़ अ लर्न बिहेवियर नॉट इनबॉर्न और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर. यानी कि जो होबल सेज, होबल्स क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला है कि कल्चर क्या है, एक सीखा हुआ बिहेवियर है. यानी कि कोई भी पर्सन है वो कुछ सीख करके उसे अडेप्ट करता है. यानी कि ये इनबॉर्न नहीं होता है, वो जैसे कि पहले पॉइंट में बोला गया कि ये मेन मेड है, यानी कि एक पर्सन द्वारा बनाया गया है. थर्ड पॉइंट है, कल्चर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. यानी कि ये क्या है, ट्रांसफ़र होता रहता है. मीन्स ये क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ये ट्रांसफ़र होता है. जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चा जन्म लेता है, जो भी वो अपने पेरेंट्स से सीखता है तो वो वहीं से वो सारी चीज़ें अडेप्ट करता है, तो वो उसी को अपना कल्चर मानता है. तो ये कैसे अपने पेरेंट्स से चाइल्ड को ये ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ऐसे ही वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट आता है, एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स डिफरेंट कल्चर एंड नॉर्म्स वैल्यू एंड रिलेटेड टू कल्चर. यानी कि हर एक सोसाइटी का अपना कल्चर है, नॉर्म है, वैल्यूज़ हैं. आपने देखा होगा कि जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, वहाँ का कल्चर अलग होता है, वहाँ के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो सब डिफरेंट होती हैं. तो ये डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी. फिफ्थ पॉइंट है इसमें, कल्चर इज़ अ सोशल सिंस इट इज़ अ शेयर्ड बाय द ऑल मेम्बर ऑफ सोसाइटी. तो ये कल्चर क्या है, एक सोशल वे है. यानी कि एक तरह से क्या है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन बना दिए गए हैं जिनको सब फॉलो करते हैं, जिससे वो अपना कल्चर मानते हैं. तो ये क्या है, हर एक मेंबर ऑफ सोसाइटी का ये माना गया है. सिक्स पॉइंट है, कल्चर इज़ एन आइडियल फॉर इट्स मेंबर. तो कल्चर जो, वो कल्चर है वो उसको फॉलो करते हैं, वो अपना आइडियल इसको मानते हैं. यानी कि वो अपना एक तरह से धर्म मान लेते हैं इस चीज़ को फॉलो करना. नेक्स्ट पॉइंट है, टू फुलफिल द नीड ऑफ इट्स मेंबर. तो कल्चर क्या है, जो भी उसे लोग जुड़े होते हैं वो अपनी ज़रूरतों को भी इसके द्वारा पूरा करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, कल्चर इज़ बोथ सुपर इंडिविजुअल एंड सुपर ऑर्गेनिक. यानी कि ये हर एक इंडिविजुअल की चॉइस होती है, कोई इसे अपनाता है, कोई इसे नहीं अपनाता है, लेकिन ये क्या है, इंडिविजुअल चॉइस होती है और सुपर ऑर्गेनिक होता है. इट इज़ कम्पोज ऑफ एथोस, इट कम्पोज ऑफ एथोस. यानी कि ये क्या है, एथोस से बना. एथोस क्या होता है, फॉर्मल अपीयरेंस ऑफ कल्चर. यानी कि एक फॉर्मल अपीयरेंस होती है एंड एडोस कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ कल्चर. नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट. तो ये क्या है, एक तरह की किसी भी इन्वायरमेंट में एक कैपेसिटी होती है एडजस्टमेंट होने के लिए. यानी कि उस इन्वायरमेंट वो खुद को एडजस्ट करता है. नेक्स्ट पॉइंट है, चेंज इन डिग्री इज पॉसिबल इन कल्चर बट नॉट कम्प्लीट चेंज इज़ पॉसिबल. यानी कि कल्चर जो है वो कुछ उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता है. ठीक है, यानी कि जो इंडियन सोसाइटी है, हम उसमें कुछ ना नई नई चीज़ें ऐड करते रहते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम बिल्कुल भी फिनिश नहीं कर सकते हैं या फिर उसको पूरा बदल नहीं सकते हैं. ट्वेल्थ पॉइंट है इसमें, कल्चर इज़ द मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल. तो कल्चर, इन्होंने बोला है कि कल्चर क्या है, ये एक इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन होती है. यानी कि हर एक पर्सन का अलग अलग कल्चर होता है, ये उसकी पर्सनैलिटी होती है या फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है. नेक्स्ट पॉइंट है, लैंग्वेज इज़ द चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर. यानी कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज से हमें उसके कल्चर का पता चलता है. ठीक है, यानी कि जब भी आपसे कोई ऐसा पर्सन मिलता है जिससे आप उसको, उसकी लैंग्वेज को सुन करके आप उसे जज करते हैं. ठीक है, मान लीजिए कोई आपको पंजाब से कोई पर्सन मिलता है, तो आप क्या सोचते हैं, उसकी पंजाबी सुन करके आपको लगता है कि ये पंजाब से बिलोंग करता है, या फिर आपको बंगाल से मिलता है तो गुजराती पर्सन मिलता है, तो ये सब चीज़ें आप कैसे जज करते हो, उसकी लैंग्वेज को देख करके आप उसकी पर्सनैलिटी को जज करते हो या फिर उसके कल्चर को आप जज करते हो. नेक्स्ट आ जाता है इसमें, फंक्शन ऑफ कल्चर, कि कल्चर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट पॉइंट है इसमें, कल्चर इज़ हेल्पफुल टू मेक मैन अ सोशल बीइंग. यानी कि कल्चर एक इंसान को हेल्प करता है उसे सोशली इन्वॉल्व होने में, या फिर इस सोसाइटी में, या किसी भी सोसाइटी में उसको एडजस्ट होने में. तो यानी कि उसको एक सोशल बीइंग बनाने में कल्चर हेल्प करता है. सेकेंड पॉइंट है, कल्चर इज़ हेल्पफुल टू कंडक्ट एंड प्रिपेयर द ह्यूमन बीइंग फॉर ग्रुप लाइफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. यानी कि कल्चर क्या कर रहा है, एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को जो है एक ग्रुप में रहने में हेल्प करता है, या फिर उसे इस तरह से वो प्रिपेयर करता है, तैयार करता है कि वो एक ग्रुप में रह सके या एक सोशलाइजेशन वाले प्रोसेस में वो अपना पार्टिसिपेशन दे सके. नेक्स्ट पॉइंट है, इट डिफाइन द मीनिंग ऑफ सिचुएशन एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन टू कॉम्प्लिकेट सिचुएशन एज इट प्रोवाइड द ट्रेडिशनल
इंटरप्रिटेशन टू सर्टेन सिचुएशन मीन्स ये हेल्प करते हैं अगर कोई पर्सन जो है किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है, यानी कि वो सोशल बींग बन जाता है और उसे किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो उसे अपना सोल्यूशन भी मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है कल्चर डिफाइन वैल्यू कस्टम एटीट्यूड एंड गोल ऑफ सोसाइटी, यानी कि कल्चर क्या है उसको वैल्यूज बताता है, कस्टम एटीट्यूड एंड सोसाइटी का गोल क्या है ये सब चीज़ें उसको पता चलती हैं या फिर वो उससे सीखता है। कल्चर टीच द बिहेवियर पैटर्न एंड रिलेशनशिप विद अदर, यानी कि कल्चर उसको सिखाता है कि उसे लोगों से कैसे इंटरेक्ट होना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे बिहेव करना है, उनके साथ कैसे रिलेशनशिप बनाना है। सिक्स पॉइंट है इट क्रिएट न्यू नीड्स एंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि उसका जो भी पर्सन का जो इंटरेस्ट होगा वो सीखता है, नई नई चीज़ें सीखता है, अपने आप को उसमें इंक्लूड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चर मोल्ड्स नेशनल करेक्टर, यानी कि वो उसको एक नेशनली एक एक तरह से उसको जोड़ता है, यानी कि अपने देश से जोड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कल्चर से प्यार करता है या फिर अपने कल्चर से वो जुड़ गया है, तो जिस भी कल्चर से वो जुड़ता है, जिस भी नेशन से वो जुड़ता है, वो उसके साथ क्या है इंट्यूल हो जाता है। एट्थ पॉइंट है कल्चर डिफाइंड मिथ्स लेजेंड्स सुपरनेचुरल बिलीफ, और कल्चर में वो और भी चीज़ें बहुत सारी मिथ्स हुए, लेजेंड, सुपरनेचुरल बिलीव्स हुए, इन चीज़ों में भी वो विश्वास करने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट क्रिएट द फीलिंग ऑफ यूनिटी इन इन इट्स फॉलोअर्स, तो वो एक तरह से यूनिटी बनाना भी सीखता है, यानी कि जो जैसे कि वो ग्रुप में रहना सीखता है, ठीक है, यानी कि एक तरह से वो सब मिल करके एक हो जाते हैं, यानी कि एकता की जो भावना होती है वो चीज़ें उनमें आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ कल्चर कि कल्चर कितने टाइप का होता है। तो फर्स्ट है इसमें मटेरियल कल्चर, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स विच मे बी एक्सपीरियंस विद सेंस, यानी कि कल्चर क्या है मैन मेड होता है तो जो कि वो एक्सपीरियंस करता है कुछ सेंस के द्वारा, वो एक्सपीरियंस करके जो कल्चर बनाता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है मेन मेड बनाई गई हैं। तो कुछ एक ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको वो एक्सपीरियंस करता है, लाइक पेन, टेबल, बेड, चेयर, तो ये सारे क्या हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनको वो मटेरियल कल्चर बोलते हैं। इट इज़ कंसर्न विद द एक्सटर्नल कॉन्क्रीट मैकेनिकल एंड यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स, तो इनको उन्होंने ये एक्सटर्नल सोर्सेज इनको बोला है। सेकेंड आता है इसमें नॉन मटीरियल कल्चर, इट इंक्लूड द कॉन्सेप्ट वैल्यूज एंड आइडियाज़, तो इन्होंने नॉन मटेरियल कल्चर में क्या आ जाएगा उनका जो कॉन्सेप्ट होता है, सोचने का तरीका होता है और वैल्यूज़ और जो आइडियाज़ उनके पास होते हैं उनको उन्होंने नॉन मटेरियल कल्चर बोला है। इट हैज़ एब्स्ट्रैक्ट नेचर एंड स्पिरिचुअल नेचर, और इसको उन्होंने नेचुरल या फिर स्पिरिचुअल नेचर इनको बोला है। आवर मोरल कस्टम फोल्कवेज वैल्यूज इमोशंस इंटरनल सोशल कंट्रोल, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर डाली है, यानी कि जो भी उस पर्सन के मोरल होंगे, कस्टम होंगे, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ हैं, वो इमोशंस हैं, ये सारे इंटरनली हैं उसके, ठीक है, यानी कि ये एक्सटर्नल सोर्सेज नहीं हैं जो उसके अंदर से फील हो रही हैं, जो चीज़ें उसके अंदर से निकल के आ रही हैं, कैसे वो बिहेव करता है, क्या वो सोच रहा है, क्या वो फील कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है नॉन मटेरियल कल्चर में आती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये इंटरनल सोशल कंट्रोल, ये सारी चीज़ें क्या है उसका नॉन मटेरियल कल्चर में आता है। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर, तो ये सारे क्या है नॉन मटेरियल कल्चर के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये था हमारा टॉपिक ऑफ कल्चर, इसके साथ ही हमारा जो कल्चर का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसके नोट्स बना लीजिए। मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाती हूँ, किसी भी टॉपिक का पीडीएफ मैं नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ आपको बुक के थ्रू पढ़ाती हूँ। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको हैंड रिटन कीजिए, ये आपके लिए ही है, बिकॉज़ अगर आप अपने हाथों से लिखेंगे तो आपके जो पेन से जो वर्ड्स जा रहे हैं वो आपके माइंड में स्ट्राइक करते हैं और आप कुछ ना कुछ इससे सीखते हैं या फिर कुछ ना कुछ आपको याद रहता है, तो ये मेरा मानना है। तो आप इसके नोट्स बनाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।